Hey, बच्चा पकड़ो नंबर वन शाबाश नंबर टू पकड़ो दैट्स ग्रेट ए छोटे पकड़ शाबाश ए पकड़ो वेरी गुड डैडी तेरे लिए पकड़ कैसी है साड़ी अरे एकदम मस्त साड़ी है इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे ए तेरे माँ बाप का नाम मत लेना ये तो एक पंच दूंगा ना दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे क्यों याद है तेरे को नई नई शादी होती हमारी सुहागरात के दिन लुंगी लाई तो भीख मांग के पड़ोस से पीछे से फटी हुई अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे मर्द मर्द होता है वो तो देखो अभी मैं एक बात बताऊं तुम गाली देते हो ना जब इनोसे में होते हो तो भी गाली देते हो बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है जिंदा रहो ना एकदम चल सिगरेट जला चल ठीक है मैं क्या बोलती हूँ ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए पैसे कहाँ से आते हैं मर्द कहाँ से लाता है ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है समझे क्या बो, बो। ये क्या है कुत्ता तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने नहीं मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई कुत्ता ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर दूंगा मैं समझे चल चला सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा चल जरा मत रखो इसको मुंह में मत रखो भाई ज्यादा नखरा करेगी ना मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को वही तो कह रही हूँ मैं उड़ जाओगे चल जरा मैं कहती हूँ निकलो निकलो इसको मुंह में से बाहर निकलो मैं कहता हूँ जला उड़ जाओगे जला पति 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 जला यहाँ खड़ा है। अच्छा किसकी चिट्ठी पढ़ रहा है ठीक गांव में कोई टपक तो नहीं गया हैदराबाद से दोस्त की चिट्ठी आई है दोस्त मेरा दोस्त अगर चाहे तो हैदराबाद सिटी खरीद सकता है खुद की एयरलाइन चला सकता है करोड़पति है फाइव स्टार होटल बनाए ओपनिंग के लिए बुलाया मुझे खामोश तेरे जैसे फटीचर का दोस्त करोड़पति मैं गन पॉइंट पे भी मानने को तैयार अबे पहले वो भी फटीचर था लेकिन फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होती है मैंने नहीं की तुम लोगों से फ्रेंडशिप अबे हम तुझे फटीचर दिखते हैं क्या अरे यार जब तेरा कनेक्शन इतने बड़े आदमी से है तो फिर एक चपरासी के हाथ पैर पकड़ के कर्जा क्यों लिया अरे इतना अपमान इतनी बेइज्जती अरे इससे अच्छा तो हम हैदराबाद जाते उस करोड़पति 250,000 रुपए लेकर अपना कर्जा वापस कर देते और वो पैसे कभी नहीं लौटाते कुछ नीच कमीने ऐसे होते हैं जो अपनी औकात से बाज नहीं आते क्या अरे यार मेरा दोस्त हुकुम का एक्का है लाइफ में अगर बुरी घड़ी आई ना तो 20-25 लाख ऐसे मांग लेंगे उसके लेवल के हिसाब से ताकि अपना भी लेवल बैलेंस हो ए, ये क्या चल रहा है कभी स्लीपिंग कभी मीटिंग कभी ईटिंग मैं पूछता हूँ ये वर्कशॉप है कि पब्लिक गार्डन है ये पब्लिक गार्डन में फूल होते हैं तुम जैसे कांटे नहीं फैक्ट्री में बोनस होता है ऐसे बड़े बड़े घाटे नहीं क्या जहाँ बोनस नहीं मिलता वहाँ पर वर्कर्स काम नहीं करते नहीं वहाँ पे धमाल करते हैं हड़ताल करते हैं मालिक का बुरा हाल करते हैं इनकलाब जिंदाबाद हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं अरे इतना दम है तो जाके मालिक से बात करो थैंक यू फॉर द एडवाइस अबे तेरा मालिक कहाँ है वेरी बैड मॉर्निंग क्या बकवास कर रहे हो हम बकवास नहीं इम्पोर्टेंट बात करने आए अरे भाई काम के वक्त काम के सिवा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है बोनस बोनस की बात पर ये तो यूनियन लीडर का मामला है ये हमारे घर का फीस का भूख का मामला है इसलिए फेस टू फेस पॉइंट टू पॉइंट बात करने आए अगर बोनस नहीं मिला ना तो काम पे फुल स्टॉप भी लग सकता है जबान संभाल कर बात करो तुम लोग को मालूम है ना मैं तुम्हारा मालिक हूँ नहीं मालिक वो है जो खिलाता है और आप वो हो जो बोनस खा जाता है करेक्ट दिवाली तक आप हमारे मालिक थे लेकिन अब आप जानते हैं हमारा पालनहार कौन है ये चपरासी ये दुनिया भर के लिए चांडाल होगा लेकिन हम सब के लिए हमारे दुख का साथी है अरे दिन में 10 बार इसे घंटी बजाकर बुलाते हो एक बार इससे कुछ सीख क्यों नहीं लेते इस ग्रेट सूट बूट और टाई में एसी और रजाई में आपको गरीबों के दुख का कुछ भी एहसास नहीं सर बड़ी दुख की बात है जब आप गरीब हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा गरीब क्या है और गरीबी क्या है हद कर दी बदतमीजी की अरे हद कर दिया आपने बोनस का थाला छीन लिया अरे गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने बात करते हैं कोई काम तो तुम लोग ढंग से करते नहीं हो और चले आते हो बोनस की चर्चा करने के लिए बॉस की इंसल्ट करने के लिए मैं तुम तीनों को इसी वक्त यहां से डिसमिस करता हूं और सुनो
आज के बाद अगर तुम लोग मेरी वर्कशॉप के आसपास कहीं नजर आए तो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाओगे। गरीब के पेट पे क्या लात मारते हो? अरे हिम्मत हो तो अमीर के पेट पे लात मार के दिखाओ। बाहर निकलो उनको। देखता हूँ कैसे फैक्ट्री चलो। बाहर मिलने के लिए गए थे मालिक को झटका देने। अरे लग गया ना खुद को फटका। तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से गई ना हमारे हाथ से नौकरी। अरे बेइज्जती की नौकरी से बेकारी अच्छी है, क्यों फिक्र कर रहे तुम लोग? अरे नौकरी के लाइन लगा दूंगा यार। अबे हमारे थोबड़े देकर कौन देगा हमें नौकरी? आज एक तारीख है, अगर पगार घर लेकर नहीं गए तो बीविया हमारा झाड़ूओं से स्वागत करेगी। अरे कुछ भी कहो यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। क्या गलती हुई, क्या गलती हुई? अरे तुम अप्पू खोटे को नहीं जानते हो, कुत्ती चीज हूं मैं। अरे भूल गया क्या मेरा बैकग्राउंड? हैदराबाद का करोड़पति दोस्त। हैदराबाद का खाली मुंह खोलने की देरी 5-10 लाख तो ऐसे रख देगा। अरे खुद की गैरेज खोल देंगे यार। ये अप्पू क्या सचमुच तुम्हारा दोस्त हमें पैसे देगा? तू यार हमेशा डाउट मत किया कर यार, मेरा अपना दोस्त है यार, बाल्टी भर के नोट ऐसे फेंक देगा। एक ही प्रॉब्लम है, उसके पास जाए ना जरा ठाट से जाए, प्राइवेट टैक्सी लेकर वजन पड़ता ना यार, 6-7 हजार का इंतजाम हो जाए। अरे हाँ यार, जब जिंदगी नई करवट ले रही हो तो छोटे मोटे खर्चों की क्या परवाह करना है यार? मैं अपनी पत्नी का नेकलेस गिरवी रखूंगा और टैक्सी के लिए 6-7 हजार रुपए मैं लाऊंगा। ये मर्दों वाली बात। अगर सुनो, इस बात की हमारी बीवियों को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, वरना हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। बिल्कुल, इसको इसको बोल, इसकी गैस भी निकल जाती है ना तो बीवी के कान में जाके बोलता। ये तो चुप कर यार, मैं इतना भी भोला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ क्या बोलना है और क्या सेंसर करना है। अच्छा चलो चलो तैयार हो जाओ, अपनी बीवियों को जाके टोपियां पहनाते हैं। और सुनो, उनसे ये कहना है हमारी तरक्की हुई है, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं हैदराबाद। ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी ना? हाँ बढ़ जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैदराबाद से मेरे लिए चार मीनारी कंगन ले आओगे? अरे जाने चार मीनारी कंगन क्या, अगर तुम कहो तो मैं हैदराबाद का चार मीनार लाकर तुम्हारे हथेली पे रख दूँ। सच सच। लेकिन तुम्हारे हाथ तो दो है, मीनार चार है, कैसे रखूंगा? तुम चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सच्ची सच्ची। विमला, अगर हमारा काम जैसा सोचा वैसा हो गया ना, तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे अरे लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। चुप चुप बोल और दुआ कर, अगर काम हो गया ना तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं, महारानी। अरे अरे क्या कर रही हो? 7 जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे 7 जन्मों तक? तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ, है चलेंगे। अबे उठ। आ रहा। रुक रे निकलो बाहर। ये देखा मेरे दोस्त ने कैसा बंगला बनाया ना? बनाया है? मतलब तेरा दोस्त बहुत बड़ा मिस्त्री है क्या? जबान को सही गेयर में डालना, हैदराबाद के करोड़पतियों में नंबर 1 पे आता है मेरा दोस्त ढोकला भाई। जब मिलेगा ना तो हिलेगा, समझा? ए, यही है क्या? शाम की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हर चीज ध्यान से होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये है? कौन है तू? अबे आटे वाले ढोकले। अप्पू खोटे बेपैंदे के लोटे। इन पाल न पीले न पूला, इन पा इन पू इन लूला। लास्ट तू मेरे को आटे की दुकान पे मिला था, उसके बाद आज मिल रहा है तू? आटा पीस के रखा ना मेरे लिए घर में। अरे आटे को मार गोली, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है यार, तू कैसा है? अरे ढोकला भाई ढोकला खा के एकदम फिट है। वाह, गाड़ी वाड़ी लेके आया है, क्या स्टाइल है तेरा यार। गाड़ी की हालत तो देखो कितनी गंदी हो रही है। अरे थोड़ा इसको पेंट वेंट करवा लेता चवन्नी दे के। अरे यार थोपड़े में पाउडर पोतने के लिए पैसे नहीं है, ये भाड़े की टैक्सी पे पेंट लगाऊंगा। मारूंगा मैं तेरे को,
पाव भर भेजा नहीं है तेरे दिमाग में? मेरा भेजा है आधे पाव का यार। अरे यार टीवी में एक एड डाल देते कि ढोकला भाई से मिलना है। पता है बंबई की सड़कों में जितनी गाड़ियां चल रही हैं आधी से ज्यादा मेरी हैं। एक आधी गाड़ी में बैठकर आ जाते चवन्नी देख के। देखा ये बचपन का प्यार है। हमारी मोहब्बत जो है ना जैसे सोडे में विस्की है। सोडा भाई, ए ढोकला भाई, ढोकला भाई ये सोडा है तो हमें अपना काजू और मूंगफली समझ के अपने साथ रख लीजिए ना प्लीज। क्या बात है, हम सब एक है। हाथ पीछे हाथ पीछे, ये दोनों जोकर कौन है? जैसे तो बचपन का यार है ना, वैसे ये मेरे जिगरी यार हैं, विजय और रवि। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कोई चंदा मांगने आया चवन्नी देखे। थैंक यू। तो आप बिल्कुल सही कह रहे सर, दरअसल तुझसे प्राइवेट बात करनी थी। अरे प्राइवेट बात बाद में, पहले रिलैक्स करो, आराम करो। इधर गार्डन है, शराब है, शबाब है, स्विमिंग पूल है। फिकर को सिगरेट के धुएं में उड़ा डाल। ढोकला भाई ने एक बार हाँ बोल दिया, हाँ। जान चले जाए ना तो हो ही नहीं सकता। आज से तुम तीनों मेरे बिजनेस पार्टनर्स चवन्नी देखे। हाँ? बिजनेस पार्टनर्स? अरे ढोकले, तू हमको उल्टा लटका के भी ढोकले तो चवन्नी नहीं गिरेगी। पैसों की क्या बात करते हो? व्हाट इज मनी? ब्लडी मनी। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह के संत ढोकला भाई। आहा, संत बोला, संत बोला, तृप्ति होगी। मेरे को भरोसे वाले आदमी चाहिए और तुम्हारे जैसे आदमी मुझे कहाँ मिलेंगे। एक काम करो, बॉम्बे तू संभाल ले और दिल्ली तू, और हैदराबाद, हैदराबाद मैं संभालता हूँ, हमारे शौन और कोलकाता, कोलकाता तू संभाल ले। लाख रुपया महीना चलेगा चवन्नी देखे? लाख रुपया ढोकलू, क्या सचमुच महीना लाख रुपए मिलेगा? अरे लाख रुपए की क्या बात करते हो यार, ये जो मेरी सेक्रेटरी खड़ी है ना सेक्रेटरी, इसके लिपस्टिक परफ्यूम के लिए पूरा 5 लाख रुपए महीना देता हूँ इसको चवन्नी लेके। और इधर देखो, इधर ये जो गधा है ना गधा, इसके ऊपर पूरा लाख रुपया महीना खर्चा करता हूँ चवन्नी लेके। ये गधा नहीं है, ये तो बड़े साइज का कुत्ता है। अरे कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गधे की बात कर रहा हूँ जो उस कुत्ते को संभाल रहा है चवन्नी लेके। मेरा लंदन का टिकट कंफर्म हुआ? यस सर, कंफर्म्ड। ये लंदन क्यों? बाल कटवाने के लिए। क्या बाल कटवाने के लिए लंदन? वो क्या है कि पिछली बार जब मैंने जापान में बाल कटवाए ना, तो उन सालों ने मेरे बाल छोटे छोटे काट दिए, तो इस बार मैंने सोचा कि लंदन जाके बाल कटवाऊं टॉम क्रूज स्टाइल चवन्नी देखे। तू अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए मेरे साथ लंदन क्यों नहीं चलता? सेक्रेटरी ये काम करो, 2 टिकट बुक करो लंदन के चवन्नी देखे। ढोकलू इतना महंगा सपना मैंने कभी नहीं देखा यार, लंदन। ए ढोकला भाई देखो, हमारे बाल भी लंबे हैं, इसके दरा, इसके बाल भी लंबे हैं, हमें साथ लंदन ले चलिए प्लीज। हमारे प्लेन का टिकट नहीं भी हुआ ना, हम लोग खड़े खड़े चले जाएंगे सर। अरे यार ड्राइवर और क्लीनर के बाजू में जगह मिल जाएगा, बस यार फिर भी यार। अरे भीख मांग रहे हैं, काम करो 4 टिकट बुक कर दो चवन्नी देखे। ये पीछे क्या कर रहा तू? एक काम कर, सबको अंदर लेकर जा, मुझे एक जरूरी काम है, वो मैं खत्म करके आता हूँ, समझ गए ना? वही अंदर जा रही है।